चलो विद्यार्थी, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए सिस्टम को समझने वाले हैं। इसका नाम है टेट्रागोनल सिस्टम या चतुष्कोणीय समुदाय। इससे पहले आपने आइसोमेट्रिक या क्यूबिक सिस्टम को पढ़ा। ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, 6 या 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम आप पढ़ने वाले हैं, उसमें उसका जो दूसरा सिस्टम है वो है टेट्रागोनल सिस्टम या चतुष्कोणीय समुदाय। जैसे कि आप इन सिस्टम्स में जो उसकी क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस है उसको आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही उस सिस्टम के कितने टाइप्स हैं उनको आप पढ़ रहे हैं, और उन टाइप्स की क्या सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, उनके क्या सम्मिति अवयव हैं, आप उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथ के साथ उन टाइप्स में जो फॉर्म्स हैं, जो आकृतियां हैं, कि क्रिस्टल कितने फलकों से मिलकर बना हुआ हो और उसकी कितनी उसमें फेसेस हैं, उसमें उसके सूचकांक क्या हैं, उसकी आकृति किस प्रकार है, वो आप उसके फॉर्म्स में बताने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें भी, इस टेट्रागोनल सिस्टम में भी, आप सबसे पहले क्रिस्टलों के जो एक्सिस हैं, जो अक्ष हैं, आप उनको सबसे पहले आप डिनोट करते हैं। तो उसी क्रम में आप सबसे पहले क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस के बारे में A1 इक्वल टू नॉट, A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू जो C है वो क्रिस्टोग्राफिक A इक्वल टू A2 और नॉट इक्वल टू C, यानी आप इसमें देख रहे हैं A एक्सिस हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है, ये इसका धनात्मक सिरा है, ये इसका ऋणात्मक सिरा है, ये A2 एक्सिस, ये इसका धनात्मक सिरा है, ये इसका ऋणात्मक सिरा, और ये जो वर्टिकल दिख रहे हो आप, वर्टिकल वो C एक्सिस। तो A एक्सिस इक्वल टू A2 और नॉट इक्वल टू C एक्सिस, ये इसका पिछले ग्राफिक एक्सिस है। और यदि आप इनको दिखाओ, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इनके बीच के यदि आप एंगल की बात करो, कोण की बात करो, तो आप इस प्रकार से अल्फा बीटा और गामा आप दर्शाते हैं। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू ए टू नॉट इक्वल टू सी, ये इसका क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस आप बताने का प्रयास हर क्रिस्टोग्राफिक सिस्टम में कर रहे हैं, उस वजह से इसमें भी टेट्रागोनल सिस्टम की बात करें। अब हम इसके टाइप्स की बात करें, ये जो टेट्रागोनल सिस्टम है, इस टेट्रागोनल सिस्टम में प्रमुख एक ही टाइप है खनिज की, वो है जिरकोन टाइप। यानी जिरकोन टाइप की जो सिमेट्री है वो आप बताएंगे, और उसमें जो इसकी जो फॉर्म्स हैं, इसकी जो आकृतियां हैं, वो आपको बनाना भी है, और उनकी आकृतियों के आपको कितने उसमें फेस हैं वो लिखने हैं फलक, और उनके सूचकांक क्या हैं वो आपको बताना है। तो जैसे कि जिरकोन टाइप की हम सिमेट्री की बात करें, सिमेट्री में आपको मालूम है कि आप प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री व्यक्त करते हैं, यानी तल की सम्मिति, अक्ष की सम्मिति और केंद्र की सम्मिति को आपको व्यक्त करना होता है। आप जानते हैं कि तल की सम्मिति क्या होती है, यानी ऐसे कितने तल किसी भी क्रिस्टल के जिनसे यदि हम क्रिस्टल को काटें तो एक भाग दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो, यानी कि वो दो समान भागों में कट जाता हो, दो इक्वल
पार्ट्स में डिवाइड हो जाता हो, तो ऐसे जितने भी तल होते हैं वो उस क्रिस्टल का तल की सममिति कहलाता है या प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाता है। तो टेट्रागोनल सिस्टम में जिकोन टाइप के लिए जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो पांच है, यानी कि पांच ऐसे तल हो सकते हैं जिनसे यदि हम जिन तलों से यदि हम इस जिकोन टाइप के क्रिस्टल्स को काटें तो वो दो समान भागों में विभक्त हो सकती है, और वो तीन दो अक्षीय थ्री एक्सियल होंगे, एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज होगा और एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर होगा। तो तीन एक्सियल एक हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल प्लेन जिर्कोन टाइप में आपको देखने को मिलता है। दूसरा है इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी अक्ष की सममिति। अक्ष की सममिति क्या होती है? अक्ष की सममिति यानी ऐसी कोई काल्पनिक रेखा या ऐसा कोई काल्पनिक अक्ष जिसको पकड़कर यदि हम किसी क्रिस्टल को पूरा एक रोटेशन दें तो उस एक रोटेशन में एक समान फलक कितनी बार हमारे आंखों के सामने से गुजरते हो वो उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो जिर्कोन टाइप के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री या अक्ष की सममिति भी पांच होती है, उसमें से एक फोर फोल्ड चार टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिर्कोन टाइप के क्रिस्टल्स हमें क्लियर करते हैं, हमें दर्शाते हैं। और सेंटर ऑफ सिमेट्री की यदि हम बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में भी इसमें प्रेजेंट होती है केंद्र की सममिति, यानी एक्सिस के दूसरी तरफ भी हमें उसी प्रकार के फेसेस या एजेस यदि हमें मिलते हो तो उसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो जिर्कोन टाइप में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री या अक्ष केंद्र की सममिति उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे इसकी क्या फॉर्म्स हैं, इसकी आकृतियां किस प्रकार की होती हैं। तो छह सात तरह की आकृतियां जो है वो जिर्कोन टाइप में हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले जो आकृति है उसका नाम होता है बेसल पिनाकोइड, ये दो फलकों की होती है और इसमें इसका जो सूचकांक है जो इंडिसेस है वो 0 0 1 है। उसी तरह से टेट्रागोनल दूसरी जो इसकी आकृति है फॉर्म है उसका नाम है टेट्रागोनल प्रिज्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसमें चार फलक हैं और उनका जो सूचकांक है वो है 1 1 0। उसी तरह से तीसरा है टेट्रागोनल प्रिज्म ऑफ सेकंड ऑर्डर, ये चार फलकों से बना है 1 0 0 इसका सूचकांक है। चौथा है डाई टेट्रागोनल प्रिज्म, इसमें आठ फलक मिलेंगे जिनका मिलर सूचकांक 2 1 0 है। फिर है टेट्रागोनल पिरामिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसमें आठ फलक होंगे जिनके सूचकांक 1 1 1 1 1 2 इत्यादि से डिनोट किया जाता है। और टेट्रागोनल पिरामिड ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसमें भी आठ फलक है इसका सूचकांक 1 0 1 है। और डाई टेट्रागोनल पिरामिड, ये 16 फलकों से बना हुआ है और इसके जो सूचकांक है 2 1 1 इसका सूचकांक होता है। तो ये नाम है, ये सारे नाम आपको ऐसे कैसे याद करने होते हैं, ऐसे कैसे लिखने होते हैं, और इनके फलक और इनके सूचकांक आपको लिखने होते हैं, इनका चित्र आपको बनाना होता है जो हम पीडीएफ नोट्स डालेंगे उससे आप इन डायग्राम्स को आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से टेट्रागोनल सिस्टम के लिए जिर्कोन टाइप के लिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देना है और उनके फॉर्म्स देने हैं। फॉर्म्स में ये छह और सात तरह के ये फॉर्म्स हैं, पिनाकोइड है, प्रिज्म है और पिरामिड है, जो कि अलग अलग ऑर्डर के प्रिज्म और पिरामिड आपको इस टेट्रागोनल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। इस तरह एक और टेट्रागोनल सिस्टम जो क्रिस्टल सिस्टम है वो आज हमारा कंप्लीट हुआ। आगे की क्लास में हम दूसरे सिस्टम को देखेंगे, संभवतः वो हेक्सागोनल सिस्टम हो सकता है।